आज हमारा टॉपिक है कार्बेन। अगर हम देखें तो कार्बो कैटायन पे चार्ज का प्लस, तो हमने कहा था कार्बो कैटायन। और तो कार्बो एनायन की हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि कार्बो एनायन पे चार्ज होगा नीट्रेन। अगर हमने फ्री रेडिकल की बात की थी, तो हमने कहा था कि कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये कार्बो कैटायन है, ये कार्बो एनायन है, ये फ्री रेडिकल है। लेकिन अगर हम अपने चौथे रिएक्शन इंटरमीडिएट पे आते हैं, तो वो कहलाता है कार्बीन। कार्बीन को अगर आप देखेंगे तो कार्बीन पे एक लोन पेयर उपस्थित है, ठीक है। ये चीज हमारी क्या कहलाएगी, कार्बीन। अगर इसे हम देखें तो कार्बीन में कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर दो है, यानी सी एटम इन कार्बीन, मतलब डाई वैलेंस स्टेट में है कार्बीन में कार्बन की वैलेंसी कितनी है, दो है। और इसकी वजह से हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव का मतलब है बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। और अगर इसका लाइफ टाइम देखें तो इसका लाइफ टाइम होता है लेस देन वन सेकेंड। इसका लाइफ टाइम क्या हो गया, एक सेकेंड से भी कम समय के लिए ये बनती है। दूसरी चीज है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और मालूम एक दो तीन चार पाँच छः, छः टोटल इलेक्ट्रॉन में छः हैं, यानी हम कहते हैं सेक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया, सिक्स इलेक्ट्रॉन। अच्छा सिक्स इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो हमने ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। अष्टक इनकम्प्लीट हो गया तो अब क्या बचा, ये किसकी तरह रिएक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गई। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्थिति। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्थिति हो गई यानी ये किसकी तरह रिएक्ट करेगी, इलेक्ट्रो फाइल की तरह बिहेव करेगी। और इलेक्ट्रो फाइल को लुईस ने क्या कहा था, नाम दिया था एसिड कहा था, एसिड क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। एक बार फिर से समझ लो, कार्बीन में कार्बन एटम डाइवेलेंट स्टेट में होता है, यानी कार्बीन में कार्बन की वैलेंसी दो होती है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। इसका लाइफ टाइम यानी लाइफ एक सेकंड से भी कम होती है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें छह इलेक्ट्रॉन है, सेक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन में प्रेजेंट होता है। और छह इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और लुईस ने इन्हें लुईस एसिड कहा था।
अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन कैटायन में कितने होते हैं, 6, तो लगभग समान होगा, तो हम लेते हैं कितना लगभग 2 कार्बन कैटायन, मतलब ये कार्बन कैटायन में कितना लगभग है, ठीक है, संगत है। कार्बेन दो तरीके के होती है, दो टाइप की होती है, पहली होती है सिंगलेट कार्बेन, दूसरी होती है ट्रिपलेट कार्बेन। फर्स्ट टाइप क्या बनेगी, सिंगलेट कार्बेन, ठीक है, दो तरीके की होती है, एक सिंगलेट होती है और एक होती है ट्रिपलेट कार्बेन। अगर हम सिंगलेट कार्बेन को देखें तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं, ये कहलाती है सिंगलेट कार्बेन, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें सेम ऑर्बिटल में है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइज, और जब ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका शेप किसकी तरह नहीं रहेगा, वी की तरह, तो ये क्या हो गई वी शेप, इसका शेप क्या होता है वी शेप, या हम कह देते हैं बेंट मोड़ा, ठीक है, इसी चीज आती है डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो पेयर्ड है तो ये कराएगी डाया मैग्नेटिक इन नेचर। आएंगे ट्रिपलेट कार्बेन पे, अगर हम ट्रिपलेट कार्बेन की बात करें तो इसमें जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अलग अलग आते हैं,
डिफरेंट आंसर्स में, डिफरेंट आंसर्स में तो ट्रांजिशन का आएगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और एसपी हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर, लीनियर मतलब रेखीय इसका स्ट्रक्चर होगा, लीनियर होगा। दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी? पैरामैग्नेटिक। प्रकृति क्या होगी? पैरामैग्नेटिक होगी। और दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें है? अलग अलग आर्ग में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट क्या है? निर्माण की विधियां, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। पहला मेथड है हमारा बाय अल्फा एलिमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें बेस लेते हैं,
अगला मेथड है हमारा बाई डाइएजो मेथड। देखिए ये हमारी कहलाती है डाइएजो मीथेन। ये चार यहां पर आएगा तो गोलक का देखिए क्या होगा, गोलक का निष्कर्ष तो चार का बन गया, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड है पॉसिबल। अगर इस पे हम एच न्यू डालते हैं कि मतलब सूर्य का प्रकाश या उसका भी हीट कर दे तो यहां के अलावा ये ट्रैक हो जाएगा और ये बन जाते इसको कहते हैं मिथाइल। ठीक है और भी बात से बना सकते हैं, जैसे इसको हटा दें हम सी एच थ्री से क्या बन जाएगा सी एच सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, और एच न्यू या हीट करने में से हम यहाँ से निकल जाएगा क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच प्लस एन टू बनेगी और प्लस एन टू बनी और देखो दूसरा एक रिप्लेस कर दो सी एच थ्री सी एच एन ट्रिपल बॉन्ड एन थ्री पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा सी एच थ्री सी एच थ्री सी प्लस अलग अलग तरीके की पास से कार्बन सब बना सकते हैं।
देखिए चेंज क्या होती है, आर आर सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, इसमें कहते हैं किटिलीन। अगर इस पे हम एच न्यू डाल दें, एच न्यू मतलब सिंगल लाइन, तो जो ट्रैक हो जाएगी आर आर सी कार्बीन प्लस सी एच, सी मतलब कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। इसे हम ऐसे भी ला सकते हैं आर को मंगी। इतने मेथड है तुम्हारी कार्बीन के पानी की। अगला इंटरमीडिएट है हमारा नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या होती है कि आर छह इलेक्ट्रॉन है, जब छह इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है,
तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गए तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज हो गई, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जबकि स्पेसीज से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती है, और इलेक्ट्रोफाइल को लुईस में क्या कहता है, लुईस एसिड। हम एक की ओर आ गए, कार्बिन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, छह, यानी 19 कार्बिन की नाइट्रोजन एनालॉग है। तो देखेंगे नाइट्रीन सीधा नाइट्रोजन एनालॉग और कार्बिन, ठीक है। ये भी दो तरीके की होती है, मतलब नाइट्रीन भी दो तरीके की होती है, एक होती है सिलेट नाइट्रीन, ठीक है, एक होती है सिलेट नाइट्रीन। अगर हम सिलेट नाइट्रीन को देखें आर एन बॉन्ड होता है बेटा, जैसे नॉर्मल बॉन्ड ये है वैसे ही भी बॉन्ड होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या है, ये नाइट्रीन जो भी ये sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब इसमें संकरण क्या होगा, sp2 मतलब सिंगलेट नाइट्रीन sp2 हाइब्रिडाइज, जो शेप दिया है कोई शेप नहीं होता है, हम क्या लिखेंगे, नो शेप, मतलब इसका आकार नहीं होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, जोड़े हुए हैं, समझाएंगे
डाया मैग्नेटिक इन नेचर, मतलब ये डाया मैग्नेटिक प्रकृति शो करती है, यानी सिंगलेट नाइट्री एसपी टू हाइब्रिडाइज होती है, शेयर इसका नहीं होता है, डाया मैग्नेटिक नेचर को प्रदर्शित करती है। दूसरी होती है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नाइट्रीन को देखेंगे इस तरीके से, इसमें एक बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है और दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग आर्बिटल में है, ये एसपी हाइब्रिडाइज होती है। ठीक है, और इसका भी शेप कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे, नो शेप, और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगी, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, पैरा मैग्नेटिक और बताना भी भूल गए, एक बॉन्ड पेयर होता है, इसमें दो लोन पेयर है तो क्या लिखेंगे, वन बॉन्ड पेयर, तो ये बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जो बॉन्ड बना हुआ, ये बॉन्ड बना है तो एक और एक दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, और दो क्या है, लोन पेयर है, टू लोन पेयर, तो इसमें क्या है, एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ठीक है, और साथ में क्या है, साथ में क्या है, साथ में दो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, चार इलेक्ट्रॉन है,
अब हमें पढ़ना है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण की विधि। निर्माण की विधियां, पहली विधि आती है फ्रॉम एजाइड्स। एजाइड का फॉर्मूला होता है आर। ठीक है, पॉजिटिव स्पेल क्या डाल देंगे, तो होगा क्या, ये यहां पर ब्रेक हो जाएगा आर एन, दो इलेक्ट्रॉन से प्लस एन टू बनी। और एग्जाम्पल देखिए, आर पर प्लेस कर देंगे हम हाइड्रोजन से, HN, ये हमारी क्या है नाइट्रीन, साथ में क्या निकलेगा N2N की परमाणु का मतलब होता है N2, मतलब नाइट्रोजन गैस निकलेगी और उड़ जाएगी। एरो ऊपर लगाया तो इसका मतलब गैस है, डाउन लगा होता तब प्रेसिपिटेट ऑफ चेंज होता। ठीक है, आर को C3 से रिप्लेस कर दो, हमारे क्या है एजाइड से इस तरीके के नियम बना सकते। फिर से समझ लो एक बार, आर एन 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 इनके पॉजिटिव एन के नेगेटिव, एच न्यू यानी फ्यूल का प्रकार डालेंगे तो एन टू रिलीज हो जाएगी गैस की फॉर्म में, जो बचेगा वो नाइट्रोजन हो जाएगी, सारे के सब में बनी हो जाएगी। लास्ट मेथड है हमारा, आखिरी मेथड है फ्रॉम एलाइड्स। आर एम एस पॉजिटिव एस कोई ग्रुप हो सकता है कोई ग्रुप, इससे अगर हम एच यू डाल देंगे सूत्र का प्रकार एस यहाँ से निकल जाएगा, आर एम डब्ल्यू वन बन गई, आर का डालो एस पे एन एस एच यू आर आर को रिप्लेस कर देंगे सी एच यू,
ये मेथड हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। यहाँ पर हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट खत्म होते हैं। अब हमें इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को पढ़ना